हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यशराज के स्पाई यूनिवर्स के बारे में, जिसको अब कंफर्म कर दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इस यूनिवर्स में हमें कौन कौन एक्टर दिखाई देगा, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सभी चीज़ों की डिटेल्स देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसी साल यशराज फिल्म्स को पूरे 50 साल हो चुके हैं, और अपने 50 साल पूरे होने की खुशी में उसने काफ़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर से शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी पठान भी शामिल है, और शाहरुख खान ने फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। अगर बात करें दोस्तों पठान मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों पठान मूवी के अंदर हमें शाहरुख खान के साथ जॉनी ब्राह्म और दीपिका पादुकोण भी दिखाई देंगी। जहाँ जॉनी ब्राह्म इस मूवी के अंदर विलन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, वहीं दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ नजर आएगी। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों से ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस मूवी के अंदर हमें सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिलेगा। पहले सुनने में आ रहा था कि सलमान खान इसके अंदर सिर्फ कैमियो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है दोस्तों कि वो इस मूवी के अंदर एज अ टाइगर कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज के अंदर सलमान खान का नाम टाइगर है, और अब सलमान खान पठान मूवी के अंदर एज अ टाइगर कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों देखने में वाकई काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है इन दोनों खान्स को एक ही फिल्म के अंदर साथ काम करते हुए। और वहीं बात करें दोस्तों सलमान खान की टाइगर 3 की, तो दोस्तों टाइगर 3 पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही शाहरुख खान की पठान मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो टाइगर 3 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों टाइगर 3 के अंदर शाहरुख खान एज अ पठान कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 के अंदर शाहरुख खान का एक बड़ा कैमियो होने वाला है, और इसी तरीके से ये दोनों मूवीज आपस में कनेक्ट हो जाएगी, और इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा स्पाई यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक हमारा आइडिया है, शाहरुख खान भी पठान मूवी के अंदर एक स्पाई का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, और इसी वजह से सलमान खान एज अ टाइगर पठान मूवी के अंदर कैमियो करेंगे, फिर इसके बाद शाहरुख खान एज अ पठान टाइगर 3 में कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके बाद पठान और टाइगर एक साथ कैमियो करेंगे ऋतिक रोशन की वॉर 2 में। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज इस समय की सबसे बड़ी न्यूज बनी हुई है, और दोस्तों यशराज ने भी अब ये कंफर्म कर दिया है कि सलमान खान एज अ टाइगर और शाहरुख खान एज अ पठान वॉर मूवी के अंदर कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा तीनों बड़े स्टारों को एक ही मूवी के अंदर देखना। और सच में दोस्तों, जब ये मूवी थिएटर में रिलीज की जाएगी, ये अभी तक सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगी, और सच में दोस्तों ऐसा होना तय है, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्शन से भरा हुआ होगा। आप सभी जानते हैं कि हमने टाइगर फ्रेंचाइज के अंदर जबरदस्त एक्शन देखे हैं, और वही वॉर मूवी के अंदर भी हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिले थे। लेकिन अब बारी है पठान मूवी की, और ये 100% कन्फर्म है कि हमें पठान मूवी के अंदर भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान सीधी सीधी टक्कर लेंगे जॉनी ब्राह्म से, और जॉनी ब्राह्म अपने एक्शन मूवीज के लिए ही जाने जाते हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा मजा आने वाला है इन तीनों को एक ही फिल्म के अंदर एक साथ देखने में। दोस्तों मैं इस स्पाई यूनिवर्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर आप भी इस स्पाई यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब बात करते हैं दोस्तों इन मूवीज की रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों जहां तक हमारा आइडिया है, पठान मूवी हमें 2021 में दिवाली के मौके पर देखने को मिल सकती है। फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, और अब इस मूवी की शूटिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये मूवी हमें दिवाली के मौके पर देखने को मिल जाए। अगर बात करें दोस्तों टाइगर 3 की, तो हो सकता है कि टाइगर 3 हमें 2022 की ईद पर देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टाइगर 3 हो सकता है हमें 2022 की ईद पर देखने को मिले। और वहीं बात करें दोस्तों वॉर 2 की, तो दोस्तों वॉर 2 को अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यशराज अभी पठान और टाइगर 3 पर काम कर रहा है, फिर इसके बाद ही वो वॉर 2 पर काम करेगा, और हो सकता है कि वॉर 2 हमें 2023 के क्रिसमस पर देखने को मिल जाए। लेकिन इसकी अभी कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं आई है, लेकिन ये हमारा अंदाजा है कि हमें वॉर 2 2023 में क्रिसमस के मौके पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, और क्या आप स्पाई यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।